जैसे भारत की करेंसी नेपाल में चलती है, नेपाल के लोग आपस में व्यापार कर लेते हैं, कुछ खरीदना हो बेचना हो तो भारतीय करेंसी में आराम से हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से पाकिस्तान की करेंसी अफगानिस्तान में चला करती थी। ठीक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को कर दिया टाटा बाय बाय। टाटा खत्म खत्म, टाटा गया, बाय 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 बाय। इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ये उसी वीडियो का पार्ट टू है। ओके, अफगानिस्तान पाकिस्तान को इस तरीके से जलील करे और पाकिस्तानी बिलबिलाए बिना, ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता भाई साहब। और इसका हम हिंदुस्तानी काफी आनंद लेते हैं। ज्यादा आपका टाइम नहीं खराब करते, सीधा चलते पाकिस्तान। हाय, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। लेट्स गो। मान बुलट साहब मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए जी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। नाम आपका? उस्मान बुलट, आप जानते ही हैं। सॉरी, मैं ये मेरी दूसरी लाइन होती है, नाम आपका तो मैं दोबारा से भूल गया, इसको मैं कट कर दूंगा। उस्मान बुलट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये पाकिस्तान का एक बॉडी बिल्डर है और पाकिस्तान के अंदर बॉडी बिल्डिंग करता है और आए दिन हिंदुस्तान के पहलवानों को चैलेंज कर रहा होता है। और एक ये इसकी पुरानी क्लिप है, पहले आप ये देखिए। एक बहुत ही घटिया और बगैरत शख्स है इंडिया का, और वो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता रहता है। अब बात करते हैं वो करता क्या है। वो एक रेसलर है। ग्रेट गली, तुम्हारी औकात क्या है पहले मुझे ये बताओ। बेतरतीबे तुम पैदा हुए, अजीब सा तुम्हारा जिस्म है और तुम उठ के पाकिस्तान को बात कर रहे हो। तेरा बाप आया। जो रहने वाले हैं, जो गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि अपनी औकात में रहिए, नहीं तो इस बार पाकिस्तान का नाम निशान मिटा देंगे। मेरा मुर्दा निकल गई, मेरी जबान टूट गई। म्यूजिक। तुम्हारे 93,000 सैनिकों को हमने कैदी बनाया था, कैदी याद रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी सरेंडर था। तो बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि तालिबान, अफगानिस्तान की मैं बात करने जा रहा हूँ, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दिया, अब पाकिस्तान की करेंसी को इन आउट नहीं कर सकते, तो क्या वजूहत है अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ इस किस्म के बुगस रखने के पीछे? क्या समझते हो आप, कैसे डिफाइन करोगे आप इस बात को? ये उन्होंने बहुत लेट किया है, वो तो पहले बहुत पहले करना चाहते थे। अच्छा, लेकिन आप मैचेस से हिसाब लगा लें, अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच में देखें कि इंडिया जब हारता है तो इतना प्रोटेस्ट नहीं करता जितना अफगानिस्तान पाकिस्तान से हार के करता है। और पाकिस्तान हारता है तब क्या प्रोटेस्ट करता है? टीवी तोड़ देते हो भैया, तुम लोग तो रोते हो, चीखते हो, बिलबिलाते हो, अपनी भी तो बोलो। और इस दफ़ा तो उन्होंने दुबई के अंदर कुर्सियां उठा के मारी पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तानी फैंस थे, और दाल खोर के नारे लगाए। ये पठान करते हैं दाल खोर के, ये दाल खाने वाली कौम है। तो इस तरह के घटिया। और आप अगर पीछे चले जाएं थोड़े से, तो पाकिस्तान जो एड के लिए ट्रक भेजता था अफगानिस्तान, जिसमें अनाज जाता था, जब वो वापस आते थे तो उसको पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखा होता था। और आपका जो अनाज जाता है वो सड़ा गला, बदबूदार, बासी, जिसको अफगानी जानवरों को भी नहीं खिलाते। जो ये वीडियो है बाय तालिबान रिप्रेजेंटेटिव, ये मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बहुत देखें। फिलहाल को आगा गनम से दे पाकिस्तान अरगली जब दे हिंद अरगली जी दे पाकिस्तान गनम दे काबिल दे इस्तेफादे ने दी आगा देर नफाकिलरी अशरालरी अशरा खुर्दशी सिर्फ देखो पुश प्रपाते रही। तो जो पाकिस्तान का गेहूं है इसको ये बिल्कुल ही यूजलेस बता रहे हैं। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं अफगानिस्तान आज के समय एक ऐसा देश है जहाँ पर अनाज की बहुत ज्यादा कमी है। तो जब वहाँ की सरकारी कह रहे हैं कि देखिए इसको तो कोई नहीं खाएगा, ये तो बिल्कुल यूजलेस है, पशुओं को भी नहीं खिला पाएंगे क्योंकि कीड़े लगे हुए हैं इस वीट पे, और ऐसा वीट पाकिस्तान की गवर्नमेंट भेज सकती है, ये देखकर तालिबान भी काफी तक सरप्राइज्ड है। तो ये तो शुरू से नमक हराम है, मैं तो इनको कहता ही नमक हराम हूँ। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब ये अफगानिस्तान को हराते हैं। पाकिस्तान कई दफ़ा जान के अफगानिस्तान से हारा के उसका स्कोर जो है, जो वो है दुनिया के अंदर उनका मुराल है थोड़ा बुलंद हो। बिल्कुल झूठ, सफ़ेद झूठ। कोई भी टीम जानबूझ के किसी भी टीम से नहीं हारती है भैया, वो अच्छा खेले थे तब तुमको हराया। सही पकड़े हैं। तो झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन इन्होंने जब भी हारे हैं इन्होंने रोंदी डाली है वहाँ पे, घटिया हरकतें की हैं, और तमाशाई जो दोनों अपनी अपनी टीम को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनके साथ लड़ाई की है, बदतमीजी की है, तो ये शुरू से ही ऐसे है।
चल झूठा। कैसे देखते हैं कि अगर आगे पीछे कोई भी बवाज हो, पाकिस्तान कोशिश करता, पाकिस्तान के अगर उनके पास ऐड मतलब कि जिलजिले आ जाए या सैलाब आ जाए या उनको भूखमरी चल रही थी अभी उनके पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से, तो इन सब हालात के अंदर भी पाकिस्तान उनकी हर किस्म की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो प्रेफर इंडिया को करते हैं। हर मामलात के अंदर इंडिया फर्स्ट पे रखते हैं, पाकिस्तान को सेकंड लास्ट पे कहीं ऑप्शन मिले तो रख लेते हैं, नहीं तो वो भी नहीं रखते, लेकिन पाकिस्तान उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है। पाकिस्तान उनको इतनी प्रायोरिटी देने की वजह से हमारी प्रायोरिटी खत्म हो चुकी है। इंडिया उनको एड देता है जिसकी वजह से वो ये सारा कुछ करते हैं और इंडिया का साथ देते हैं। अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं कि सारे ही बुरे हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, तालिबान में बहुत अच्छे तालिबान भी हैं, लेकिन ये बहुत सारे घटिया लोग जो हैं ये पूरे मुल्क को बदनाम करते हैं। और अभी अगर ये उनकी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है कि ऑफिशियली किया गया, बैन किया गया, तो फिर तो गवर्नमेंट भी उनके साथ मिल गई है ना, फिर तो ये सारे ही जो है नमक हराम हो गए हैं। सारे नमक हराम हो गए भैया, सारे ही नमक हराम हो गए, बस यही नमक हलाल बचे हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई कौम नमक हलाल बची हुई है तो सिर्फ यही पाकिस्तानी है, बस बाकी सब नमक हराम है। और पाकिस्तान में बहुत सारे अफगानी हैं जो पाकिस्तान का पासपोर्ट बना के यहाँ रह रहे हैं, तो मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि इनको उठा के बाहर फेंके इनके मुल्क में वापस। बिल्कुल सही। अभी रिसेंटली जोन सा अफगानिस्तान का जो ऑफिशियली एक है यार जो कि उनके आर्मी को डील करता है, उसने स्पेशली ऐलान किया था कि वो उसने कहा कि पाकिस्तान किसी खुशफहमी में ना रहे, हम जब चाहे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर साल के अंदर तकरीबन 300-350 हमले होते हैं जिसमें तकरीबन हमारे कोई अफवाज मरती हैं, जिसमें हमारे जो उनसे रेंजर है वो शहीद होते हैं, तो इन सब का जिम्मेदार हमें पता भी अफगानी करवाते हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? इसका हल मैं बता देता हूँ। जितने अफगानी यहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट बना के रह रहे हैं, इनको जाके बॉर्डर के पहली लाइन के ऊपर खड़ा कर दें, वहाँ पे इनको रिहाइश दे दें, फिर देखते हैं किस तरह अटैक करते हैं अपनी अफगानियों के ऊपर। तो ये तो करना पड़ेगा और इनको इनके मुल्कों में वापस भेजना पड़ेगा। अगर नहीं भेजते तो ये जंग तो लगनी है। जैसे पहले हुआ आपको याद होगा स्वात के अंदर जो कुछ हुआ, तो ये दोबारा उसी तरफ जा रहे हैं अगर ये कर रहे हैं, और अभी भी उनको अगर आप शह देंगे तो वो उसी तरफ लेके जाएंगे मुल्क। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है वो कभी आत्मनिरीक्षण नहीं करते, कभी अपने अंदर नहीं झांकने की कोशिश कर रहे होते कि हमने क्या किया। इन लोगों ने अमेरिका से पैसा लेके मासूम अफगानिस्तानियों को मरवाया और आज तक मुसलसल मरवाते जा रहे हैं। तो भैया तुम उनके लोग मार रहे हो और वो तुम पे गुस्सा भी जाहिर ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है? अफगानिस्तान ने तुम्हारी करेंसी तक बंद कर दी, इतना सब होने के बाद में भी अगर तुम्हारी आँखें ना खुले तो भैया तुम्हारी हालत उस कबूतर की तरह है जो आंखें बंद करके ये सोचता है कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही है। आपका पतन निश्चित है भैया। और लास्ट में जाते जाते मैं तो एक ही बात बोलूँगा, और आप लोगों को क्या विचार है आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक में डेस रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।